कैमूर पुलिस ने एक छात्रा के अपहरण का खुलासा करते हुए एक प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया है। घटना मोहनिया थाना क्षेत्र के बमहोर खास की है, जहां बीते दिनों एक युवती का अपहरण हो गया और युवती के ही फोन से अपराधियों ने परिजनों से 11 लाख रुपए फिरौती की मांग की, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। यह है कि एक गीता कुमारी उम्र 18 साल अपने घर से 27 तारीख को निकली, स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड में ट्रेनिंग लेती थी मोहनिया। उसके बाद वो घर वापस आई। 28 तारीख को उसके पिता रामाधार राम द्वारा आवेदन दिया गया थाना में कि मेरी बच्ची गायब है 27 तारीख से। उसी में हम लोग उसमें लगे और उसने ये भी कहा, मेरे भी फ़ोन किया था, कहा कि 11 लाख रुपया मांग रहा है कि पैसा दो नहीं तो तुम्हारा ही बेटी को मार देंगे। जी सर। और पैसा उसी मोबाइल से मांग रहा था, जिस लड़की का अपहरण हुआ था उसी के मोबाइल से पैसा मांग रहा था और फ़ोन कर रहा था। हमारी टीम गई, हम लोगों ने टीम गठित किया जिसमें टेक्निकल सेल के थे और थाना प्रभारी मोहनिया के नेतृत्व में टीम काम की और सूचना मिलने के 6 घंटे के अंदर हम लोगों ने उसको कर्मनाशा दुर्गावती के जनार्दनपुर गांव से बरामद किया, निशा कुमारी के घर से। उसमें दो अपराधी विनय कुमार श्रीवास्तव और निशा कुमारी, इन लोगों ने उसका अपहरण किया गुड फेथ में, हमको लगता है अपहरण करके उसके बाद इन लोग फिरौती के लिए मांगना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले को समय रहते सुलझा लिया और युवती अपने घर सुरक्षित वापस आ गई। फिलहाल पुलिस ने प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत गुप्ता की रिपोर्ट।